गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम यूज़ करने वाले हैं कार्डबोर्ड एंड थर्माकोल शीट एंड उसी से होम डेकोर के लिए बहुत सुंदर से चीज़ें बनाएंगे। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे झरोखा बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने कार्डबोर्ड ले लिया एंड उसको झरोखे की शेप में कट कर लिया। उसके बाद फटाफट से मैंने इस पर कलर कर दिया है। आपकी चॉइस है, आप कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हो। एंड मेरे पास स्टेंसिल कटआउट्स रखे हुए थे तो मैंने उसी से ही फ्लावर की डिज़ाइन इस पर बना दी। पीछे की साइड भी मैंने कार्डबोर्ड लगा दिया है एंड उसके ऊपर गोल्डन कलर से मैं थोड़े से फ्लावर बना दूंगी। ऐसे तो ये बहुत सिंपल लग रहा था, इसलिए मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा मिरर वर्क कर दिया। बीच में जो पोर्शन है वो बहुत ही सिंपल लग रहा था, इसलिए मैंने रैंडमली कुछ भी शेप कट कर ली एंड उसको ग्लू की हेल्प से चिपका दूंगी। सो फाइनली हमारा फाइनल आर्ट पीस बनके रेडी हो चुका है। अगर ये DIY आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ जल्दी से ब्लू हार्ट कमेंट कर दो। चलो तो गाना वाना बहुत सुन लिया और अब नेक्स्ट वाले पे आते हैं। तो उसके लिए मैंने ले लिया फटाफट से थर्माकोल शीट एंड इसको देख के आपको पता चल ही गया होगा कि हम क्या बनाएंगे। सो यस, हम यहाँ पे कैमल बनाएंगे। तो उसका रफ स्केच मैंने ऑलरेडी बना लिया था एंड उसको इसके ऊपर ड्रॉ कर देंगे। सिंपली इसको कट कर लेंगे एंड उसके बाद वॉल पुट्टी की लेयर इसके ऊपर हम लगा देंगे। तो सूखने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो अब बारी आती है कलर करने की। तो फटाफट से मैंने येलो कलर पूरे के ऊपर अप्लाई कर दिया है एंड रेड कलर से थोड़ी सी डिटेलिंग मैं ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा चमकदार बनाने के लिए मैंने इसके ऊपर मिरर वर्क भी किया है एंड बीच के अंदर जो हमने हॉल इसके अंदर रखा था उसके अंदर आपके पुराने जो इयररिंग्स पड़े हैं उनका झुमका यूज़ कर सकते हो। फाइनली ये बनके रेडी हो गया है। आप लोगों को एक बात बता दूँ, ये मैंने फर्स्ट बार में नहीं बनाया, दूसरी बार जब मैंने ट्राई किया तब जाके ये इतना सुंदर बना है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।